येनाक्षर सामने अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेय नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पाणिनीय व्याकरण में कारक प्रकरणम्, इस पाठ श्रृंखला का आज 41वां पाठ है। पिछले 40 पाठों में मिलकर हम कारकाधिकार के सारे सूत्र अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ चुके हैं। ये सारे ही सूत्र कार के इस अधिकार में आते हैं और जैसा कि हमने पढ़ा है, ये सारे ही संज्ञा सूत्र है, यानी कि कर्तृ, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये सारी ही व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं हैं। और विशेष बात यह है कि ये सारी ही संज्ञाएं आकड़ारादेका संज्ञा इस सूत्र से दिए गए एक संज्ञाधिकार में पढ़ाई गई हैं। एक संज्ञाधिकार का प्रयोजन यह है कि एक ही समय दो या अधिक संज्ञाएं उपस्थित हो जाने पर उनमें से एक ही और वो भी बाद में आने वाली संज्ञा पहले दी हुई संज्ञा का बाध कर देती है, यानी कि सिर्फ बाद में आने वाली संज्ञा कायम रहती है और उसको दर्शाने वाली विभक्ति का प्रयोग करके शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इसका एक उदाहरण हम इस वर्ग के बिल्कुल शुरू में ही पढ़ चुके हैं। प्र इस उपसर्ग के साथ विष इस धातु का प्रयोग करने पर आधार की आधारोधिकरणम इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा भी होती है और कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से कर्म संज्ञा भी होती है। ऐसी स्थिति में बाद में पढ़ाई गई कर्म संज्ञा पहले पढ़ाई गई अधिकरण संज्ञा का बाध कर देती है और गृहे प्रविशति इसके स्थान पर गृहम प्रविशति यह प्रयोग बन जाता है। वैसे ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई सारे उदाहरण भाष्य में आकड़ारादेका संज्ञा इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पढ़ाए हैं। इन्हीं उदाहरणों का आज के पाठ में हमें भाष्य पंक्तियों के साथ अध्ययन करना है। तो आकड़ारादेका संज्ञा इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार एक संज्ञाधिकार में आने वाली लगभग सभी संज्ञाओं के बारे में बाध्य बाधक भाव का विवेचन करते हैं, जैसे कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा या फिर अंग संज्ञा भ संज्ञा या फिर घी संज्ञा नदी संज्ञा या फिर लघु और गुरु ये संज्ञाएं वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब संज्ञाओं की चर्चा इस पाठ के लिए मायने नहीं रखती। आज के पाठ में भाष्य का बस एक छोटा सा अंश जो कि अपादान संप्रदान इत्यादि संज्ञाओं के विषय में बाध्य बाधक भाव का प्रतिपादन करता है, उसे हमें पढ़ना है। इस संदर्भ में भाष्य में कुल मिलाकर 6 अलग अलग वार्तिक पढ़ाए गए हैं। पहले ये सब वार्तिक बता देता हूं, फिर इनकी चर्चा भी करेंगे। पहला वार्तिक अपादान संज्ञाम उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते। दूसरा वार्तिक क्रुधद्रुहो हो उपसृष्टयो हो कर्म संप्रदानम बाधते। तीसरा वार्तिक कर्ण संज्ञाम पराणि कारकाणि बाधन्ते। चौथा वार्तिक अधिकरण संज्ञाम कर्म संज्ञा बाधते। पांचवा वार्तिक अधिकरण संज्ञाम कर्तृ संज्ञा बाधते। और छठा वार्तिक अध्युपसृष्टम कर्म अधिकरण संज्ञाम बाधते। तो इस तरह से इन 6 वार्तिकों द्वारा भाष्यकार ने कारकाधिकार की
एक संज्ञा अधिकार में क्या जरूरत है ये स्पष्ट किया है। इन्हीं छह वार्तिकों की आज के पाठ में हमें विस्तार से चर्चा करनी है। तो पहले वार्तिक से शुरू करते हैं। भाष्यकार बोलते हैं, अपादान संज्ञाम उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते। एक संज्ञाधिकार में अपादान कारक सबसे पहले रखा हुआ कारक है, इसका बाकी कारक बाध कर देते हैं। कैसे? तो भाष्यकार यहां चार वाक्य उदाहरण के रूप में देते हैं। धनुषा विद्यति, कंसपात्र्याम भुंते, गाम दोग्धि और धनुर्विद्यति। यहां अपादान कारक का क्रम से करण, अधिकरण, कर्म और कर्तृ कारक द्वारा बाध होता है। एक एक उदाहरण को भाष्यकार आगे स्पष्ट करते हैं। धनुषा विद्यति इति अपाययुक्तत्वात् च ध्रुवमपाये अपादानम् इति अपादान संज्ञा प्राप्नोति साधकतमं करणम् इति च करण संज्ञा परासा भवति। इसका मतलब समझते हैं। धनुषा विद्यति, यहां व्यध ताड़ने यह धातु उपस्थित है। धनुष से मारता है, यह इस वाक्य का अर्थ है। अब धनुष से मारता है, इसका यहां ये मतलब नहीं कि गदा या खड्ग के समान धनुष हाथ में लेकर उसके दंड के द्वारा किसी को मारता है। धनुष से मारता है मतलब कि धनुष से बाण मारता है। तो यहां बाण मारने की क्रिया में धनुष अवधिभूत होने से उसकी ध्रुवमपाये पादानम इस सूत्र से अपादान संज्ञा होती है। लेकिन यही बाण मारने का साधकतम धनुष ही है, तो उसकी साधकतमम करणम इस सूत्र से करण संज्ञा भी हो जाती है। इस तरह से एक ही समय पर अपादान संज्ञा और करण संज्ञा, ये दोनों संज्ञाएं एक साथ हो जाने पर एक संज्ञाधिकार के बल पर पहले वाली अपादान संज्ञा का बाध करके कर्ण संज्ञा का विधान किया जाता है। इसीलिए भाष्यकार बोलते हैं, परा सा भवति। सा मतलब यहां कर्ण संज्ञा, वह पर संज्ञा होती है, तो वही होती है, यह इस वाक्य का आशय है। अब यहां आगे जाने से पहले एक बात समझना जरूरी है। धनुषा विद्यति, यह वाक्य कब साधु है? तो यह वाक्य तब साधु है जब धनुष इस पदार्थ में साधकतम की विवक्षा की जाती है। ऐसी विवक्षा करने पर धनुष पदार्थ में अपादान संज्ञा की विवक्षा हो या फिर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपादान की विवक्षा ना हो तो सीधे सीधे कर्ण संज्ञा हो जाएगी, और अगर अपादान की विवक्षा हो भी जाए तो फिर भी एक संज्ञाधिकार के बल पर परत्व से अपादान संज्ञा का कर्ण संज्ञा से बाध हो जाएगा और फिर वहां कर्ण संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यह सब तब तक जब तक धनुष में साधकतम की विवक्षा की जाए। अगर ऐसा ना हो, यानी कि धनुष में साधकतम की विवक्षा ही ना हो, तो फिर अपादान की विवक्षा करके शायद धनुषहा विद्यति यह प्रयोग भी हो पाएगा। अब मैंने शायद हो पाएगा ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ऐसे प्रयोग देखने को नहीं मिलते। यानी कि धनुष से बाण मारता है, इस क्रिया में धनुष को साधकतम माना ही जाता है, तो उसकी कर्ण संज्ञा होकर धनुषा विद्यति यही प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन
अगर विशेष रूप से हमें साधकतम की किसी अन्य पदार्थ में विवक्षा करनी है, जैसे कि देवदत्त ने धनुष से बल द्वारा बाण छोड़ा, तब यहां साधकतम इससे बल पदार्थ का निर्देश होगा और फिर देवदत्तः धनुषः बलेन विद्यति यह प्रयोग बन जाएगा। संक्षेप में विवक्षा होने पर ही कारक का विधान होता है और जब दो अलग-अलग कारकों की एक साथ विवक्षा होती है तब किस कारक से किस कारक का बाद हो ये बताने के लिए एक संज्ञाधिकार में अपादानादि संज्ञाओं का समावेश किया गया है। यह विवक्षा का जो विषय हमने अभी बोला वो वैसे बहुत ही महत्व का विषय है और इसलिए हम अगले पाठ में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना जानना काफी है कि एक समय पर अगर एक से ज्यादा कारकों की विवक्षा होती है तब एक संज्ञाधिकार के बल पर आने वाली संज्ञा पूर्व संज्ञा का बाध कर देती है, जैसे कि यहाँ धनुष इस पदार्थ में करणत्व और अपादानत्व इन दोनों की साथ साथ विवक्षा करने पर करण संज्ञा से अपादान संज्ञा का बाध करके धनुषा विद्यति यह प्रयोग बन जाता है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। कंस पात्र्याम भुंते। कंस पात्र्याम यह कंस पात्री इस प्रातिपदिक का सप्तमी एकवचन है। एक विशिष्ट प्रकार के चषक को कंस पात्री बोलते हैं। उस चषक में पदार्थ रखकर ग्रहण करता है, इस अर्थ में कंस पात्र्याम भुंते यह वाक्य प्रयुक्त होता है। अब यहां भी भुंते मतलब कि ग्रहण करना, इस क्रिया के समय पदार्थ चषक से अलग होता है, तो उस क्रिया में चषक अवधिभूत होने से ध्रुवमपाये अपादानम इस सूत्र से चषक की यानी कि कंसपात्री की अपादान संज्ञा अवश्य हो जाती है। लेकिन उसी समय भोजन क्रिया में उस पदार्थ को वह चषक धारण भी कर रहा है, तो उस चषक की यानी कि कंसपात्री की अधिकरण संज्ञा भी हो जाएगी। इस तरह से दो दो संज्ञाएं एक साथ आ जाने पर परत्व से अधिकरण संज्ञा द्वारा अपादान संज्ञा का बाध होता है और अधिकरण संज्ञा का ही प्रयोग होता है, जिससे कंसपात्र्याम भुंते यह वाक्य सिद्ध हो जाता है। भाष्यकार यही बताते हैं, कंसपात्र्याम भुंते इत्यत्र अपाययुक्तत्वात् च ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति अपादान संज्ञा प्राप्नोति आधारोधिकरणम् इति च अधिकरण संज्ञा सा परा भवति। सा यानी कि अधिकरण संज्ञा वही परत्व से होती है। इस तरह से अपादान संज्ञा का अधिकरण संज्ञा द्वारा बाध हो सकता है। अब तीसरा उदाहरण, गाम दोग्धी गाय का दूध निकालता है। भाष्यकार बताते हैं, गाम दोग्धी इत्यत्र अपाययुक्तत्वात् च अपादान संज्ञा प्राप्नोति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कर्म संज्ञा सा परा भवति। गाय का दूध निकालता है, इस वाक्य में गाय की अवधिभूत होने से अपादान संज्ञा होती है और उसी समय दूध निकालने की क्रिया का गाय यह ईप्सिततम है तो उसकी कर्म संज्ञा भी होती है। ऐसी स्थिति में कर्म संज्ञा द्वारा परत्व से अपादान संज्ञा का बाध होता है और गाम दोग्धी यह प्रयोग बन जाता है।
अब यहां एक बात आपको याद दिलाता हूं, गाम दो घी, यह उदाहरण हमने पहले भी एक जगह पर देखा है। कहां देखा है? तो अकथितंच इस सूत्र के समय दुह धातु के विषय में हमने ये बोला था कि अपादानादिकारक की विवक्षा न होने पर अकथितंच इस सूत्र से कर्मकारक होता है, यानी कि मूल रूप से वहां अपादान भी हो सकता है। और उसके उदाहरण में हमने गोपालः गोहोपयः दुग्धी ये प्रयोग भी देखा था, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर पहले आया हुआ अपादान कारक बाद में आए हुए कर्म कारक का बाध करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये देखकर यहां ये सवाल अवश्य ही उपस्थित होगा कि यहां अपादान संज्ञा का परत्व से कर्म संज्ञा द्वारा बाध कैसे नहीं हुआ, और गोपालः गोहोपयः दुग्धी यह पंचमी युक्त प्रयोग साधु कैसे बन गया। तो इस सवाल के जवाब में कुछ चीजें हमें मूल रूप से समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यह कि हमने अभी दो संज्ञाएं एक साथ हो जाने की जो बात कही थी उसमें कर्म संज्ञा का सूत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म यह था, यानी कि अगर कर्ता का ईप्सिततम गाय है तो फिर गाय की कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से अवश्य ही कर्म संज्ञा होगी, और ये कर्म संज्ञा अपादान संज्ञा का अवश्य बात कर देगी। इस सारे विवरण में अकथितंच इस सूत्र का कहीं भी संबंध नहीं आता। तो फिर ध्रुवम अपाये अपादानम इस सूत्र से गाय की अपादान संज्ञा होकर गोपालः गोहो दुग्धी यह प्रयोग बन जाएगा। इस प्रयोग के समय भी अकथितंच सूत्र का कोई संबंध नहीं आता। इस तरह से ध्रुवम अपाये पादानम इस सूत्र से अपादान संज्ञा और कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से कर्म संज्ञा, ये दोनों ही संज्ञाएं एक साथ होने पर परत्व से कर्म संज्ञा द्वारा अपादान संज्ञा का अवश्य बाध हो जाएगा। इस चर्चा में अकथितंच सूत्र कहीं भी उपस्थित नहीं है। तो फिर अकथितंच सूत्र का संबंध कहां आता है? तो ये बात ढंग से सुन लो, अगर गाय ईप्सिततम न होने से कर्म की विवक्षा नहीं है और उसी समय गाय अवधिभूत न होने से अपादान की भी विवक्षा नहीं है, तब यानी कि किसी भी कारक की विवक्षा न होने पर अकथितंच सूत्र से कर्म कारक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकथितंच इस सूत्र का प्रयोग तभी होता है जब किसी भी अन्य सूत्र का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर ध्रुवम अपाये अपादानम इस सूत्र से अपादान संज्ञा की विवक्षा है तो वहां अकथितंच यह सूत्र उपस्थित भी नहीं होगा, और अगर ये सूत्र वहां उपस्थित नहीं होगा तो फिर उसके द्वारा ध्रुवम अपाये अपादानम इस सूत्र का बाध भी नहीं हो सकता। इसी का मतलब यह है कि अकथितंच यह सूत्र किसी भी अन्य सूत्र के साथ बाध्य बाधक भाव में आता ही नहीं। यही बात नागेश उद्योत में स्पष्ट करते हैं, अकथितंच इत्येतत्तु अपादानत्वादि अविवक्षायाम एव इति न तेन विप्रतिषेधः इति दिक्। अकथितंच सूत्र तभी लगता है जब अपादानादि अन्य कारक की विवक्षा नहीं होती, और इसीलिए
अकथितंच सूत्र किसी अन्य सूत्र का बाध नहीं कर सकता, और यही कारण है कि गोपालः गोहोपयः दोग्धि यह प्रयोग भी साधु बन सकता है। गोपालः गोहोपयः दोग्धि इस प्रयोग में गाय के ईप्सिततम न होने से कर्म संज्ञा नहीं हुई, लेकिन गाय के अवधिभूत होने से अपादान संज्ञा अवश्य हुई, और अपादान संज्ञा होने के कारण अकथितंच सूत्र उपस्थित ही नहीं हुआ, यह इस सब का आशय है। आगे चलते हैं और अपादान संज्ञा का भाष्य में दिया हुआ चौथा और अंतिम उदाहरण देखते हैं। धनुर्विध्यति, यह एक सुंदर सा उदाहरण है और इसके जैसे दो तीन और उदाहरण हमने स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के अध्ययन के समय पहले ही देख लिए हैं। उस समय हमने एक भाष्य वाक्य भी देखा था, सिद्धं तु प्रतिकारकं क्रियाभेदात् पचादीनां करणाधिकरणयोः कर्तृभावः। अलग अलग कारक अपने नजरिए से क्रिया को अलग अलग रूप में देखते हैं और उनके अपने अपने नजरिए में वही कारक प्रधान होते हैं, यह इस वाक्य का आशय है। इसी बात को धनुर्विध्यति इस प्रस्तुत उदाहरण में भी देखा जा सकता है। देवदत्त धनुष से बाण मार रहा है, इस अर्थ में अगर धनुष में साधकतम की विवक्षा ना हो तो फिर धनुष पदार्थ के अवधिभूत होने से उसकी अपादान संज्ञा होकर देवदत्तः धनुषः विद्यति यह वाक्य बन सकता है। लेकिन देवदत्त यह निमित्त है, धनुष खुद ही बाण छोड़ रहा है, इस नजरिए से देखने पर धनुष की कर्तृ संज्ञा होकर धनुः विद्यति यह प्रयोग भी संभव है। और अगर ये दोनों नजरिए एक साथ हो, यानी कि देवदत्त धनुष से बाण मार रहा है और देवदत्त को निमित्त मानकर धनुष खुद ही बाण छोड़ रहा है, ये दोनों नजरिए अगर एक साथ हो तो फिर परत्व से कर्तृकारक द्वारा अपादान कारक का बाध कर दिया जाएगा और धनुः विद्यति यही प्रयोग साधु बन जाएगा। ये फिर से समझ लेना, जब तक एक ही प्रकार के अर्थ की विवक्षा है तब तक दोनों प्रयोग साधु है, लेकिन दोनों प्रकार के अर्थों की साथ साथ विवक्षा होने पर कर्तृ संज्ञा से अपादान संज्ञा का बाध हो जाएगा और धनुर्विद्यति यही प्रयोग साधु बन जाएगा। वैसे अपादान संज्ञा का कर्तृ संज्ञा से बाध होने का एक और बेहतरीन उदाहरण हम बता सकते हैं। ये वाक्य सुन लो, नृपः ब्राह्मणाय धनं ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है। अब यहां दान क्रिया में प्रधान कारक नृप यानी कि राजा है तो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है, लेकिन उसी समय अगर ददाति इस क्रिया को हम अलग नजरिए से देखें, जैसे कि धन का राजा के हाथ से ब्राह्मण के हाथ में चला जाना, तो यहां राजा की ध्रुवमपाये अपादानम इस सूत्र से अपादान संज्ञा भी संभव है। इस तरह की विवक्षा करने पर मुनि नृपात ब्राह्मणाय धनं ददाति इस तरह के प्रयोग भी हो सकते हैं। और जब दोनों विवक्षाएं साथ साथ होती है, यानी कि नृप इस पदार्थ में कर्तृत्व और अपादानत्व दोनों की विवक्षा होती है, तो फिर अपादान संज्ञा का कर्तृ संज्ञा से परत्व से बाध होकर नृपः ब्राह्मणाय धनं ददाति यही प्रयोग बन जाता है। इस तरह से
अपादानं सर्वाणि कारकाणि बाधन्ते। इस वार्तिक के उदाहरण में अपादान कारक का करण, अधिकरण, कर्म और कर्तृ कारक से बाध कैसे होता है, इसके उदाहरण भाष्यकार ने दिए हैं। अपादान कारक का संप्रदान से बाध होने का उदाहरण उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इन दो कारकों के अर्थ इतने अलग है कि इनकी इकट्ठा विवक्षा करने का प्रसंग सामान्य तौर पर नहीं आता। कुछ कृत्रिम उदाहरण हम अवश्य बना सकते हैं, जैसे कि अगर कोई देवदत्त यज्ञदत्त से कुछ वस्तु खरीद लेता है, तो वहां सामान्य तौर पर देवदत्ता यज्ञदत्तात् वस्तु क्रीणाति यह प्रयोग बन जाएगा। लेकिन अगर देवदत्त को असल में वह वस्तु चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी उस वस्तु को वो इसलिए खरीद रहा है क्योंकि यज्ञदत्त को व्यापार में थोड़ी सहायता हो, यज्ञदत्त को खुशी मिल जाए वगैरह, तो ऐसी स्थिति में क्रीणाति इस क्रिया का क्रिययायम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम्। इस वार्तिक के बल पर यज्ञदत्त यह संप्रदान भी हो जाएगा और देवदत्ता यज्ञदत्ताय वस्तु क्रीणाति, देवदत्त यज्ञदत्त की खुशी के लिए वस्तु खरीदता है, यह प्रयोग बन जाएगा। यहाँ यज्ञदत्त की अपादान संज्ञा का संप्रदान संज्ञा से बाध हो गया दिखाई देता है। इस तरह से अपादान संज्ञा का हर अन्य संज्ञा से बाध संभव है और ये हो सके इसीलिए एक संज्ञाधिकार में आने वाले इस कारक प्रकरण में अपादान संज्ञा महर्षि पाणिनि ने सबसे पहले रखी है। आगे चलते हैं। भाष्यकार द्वारा निर्दिष्ट द्वितीय वार्तिक क्रुधद्रुहो उपसृष्टयो कर्म संप्रदानं बाधते। उपसर्ग की उपस्थिति में क्रुध और द्रुह इन दो धातुओं के विषय में कर्म संज्ञा संप्रदान संज्ञा का बाध करती है। इसको हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर से देखते हैं। क्रुध और द्रुह इन धातुओं के विषय में यम प्रतिकोपः, जिसके विषय में कोप आ जाए उसकी क्रुधद्रुहेर्षासूयार्थानां यम प्रतिकोपः, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है। और अगर क्रुध और द्रुह ये धातु उपसर्ग के साथ प्रयुक्त हो, तो फिर जिसके विषय में कोप आ जाए उसकी क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा भी होती है। यहां ये याद रख लो, सोपसर्ग क्रुध और द्रुह धातु अकर्मक है, इसलिए यहाँ कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो जाता तो वैसे ही परत्व से कर्म संज्ञा द्वारा संप्रदान संज्ञा का बाध संभव था और क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म इस सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहां भिन्न सूत्र बनाकर कर्म संज्ञा का विधान करना पड़ा। और ऐसा करने से एक संज्ञाधिकार के बल पर परत्व से कर्म संज्ञा द्वारा संप्रदान संज्ञा का बाध होकर देवदत्तम अभिक्रुध्यति और देवदत्तम अभिद्रुह्यति ये प्रयोग बन जाते हैं। अब यहां एक सवाल शायद आ सकता है कि भाष्यकार ने अपादान संज्ञा के विषय में अपादान संज्ञा उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इस तरह से सामान्य वाक्य बोला था, लेकिन संप्रदान संज्ञा के विषय में उन्होंने विशेष रूप से संप्रदान संज्ञाम कर्म संज्ञा बाधते ऐसा वार्तिक दिया है। ऐसा कहने के बजाय संप्रदान संज्ञाम उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते, संप्रदान संज्ञा का आगे आने वाले कारक बाध करते हैं,
ऐसा वार्तिक उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो इसका सरल सा जवाब यह है कि सामान्य रूप से अन्य कारकों की और संप्रदान की युगपद विवक्षा का प्रसंग कहीं भी नहीं आता, यानी कि साधकतमम करणम या फिर आधारोधिकरणम या फिर कर्तुरीप्सिततमम कर्म या फिर स्वतंत्रहा कर्ता, इन सूत्रों से पढ़ाई गई कर्ण संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, कर्म संज्ञा या फिर कर्तृ संज्ञा सामान्य रूप से संप्रदान संज्ञा के साथ साथ नहीं देखी जाती। लेकिन ये सामान्य तौर पर बात हो गई। इधर उधर ढूंढने पर कुछ उदाहरण ऐसे अवश्य मिल सकते हैं जहां संप्रदान संज्ञा और अन्य किसी संज्ञा की युगपत उपस्थिति होकर अन्य संज्ञा द्वारा संप्रदान संज्ञा का बाध किया हुआ दिखाई देता है। एक उदाहरण देता हूं। तद्धित प्रकरण में तदस्मिन् वृद्धि आय लाभ शुल्को पदादीयते, यह सूत्र पढ़ाया है। इस सूत्र के संदर्भ में काशिकाकार चतुर्थ्यर्थे उपसंख्यानम इस वार्तिक को पढ़ाते हैं और इस वार्तिक को पढ़ाने के बाद वो बोलते हैं, सिद्धं तु अधिकरणत्वेन विवक्षितत्वात्। अब इस सूत्र का और वार्तिक का तो अध्ययन हम यहां नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में जो जरूरी है वो बता देता हूं। तदस्मिन् वृद्धि आय लाभ शुल्को पदादीयते, इस सूत्र द्वारा सप्तमी विभक्ति का अर्थ होने पर तद्धित प्रत्यय का विधान किया है। जैसे कि वह व्यवहार जिसमें 5 रुपए का लाभ होता है पंचक कहलाता है। पंच दीयन्ते अस्मिन् इति पंचकः व्यवहारः। यहां देने की क्रिया का जो अधिकरण, उसके लिए तद्धित प्रत्यय का विधान हुआ है। अब इसी संदर्भ में वार्तिककार आगे बोलते हैं, चतुर्थ्यर्थे उपसंख्यानम्, यानी कि देने की क्रिया का जो संप्रदान, उसके लिए भी इसी तद्धित प्रत्यय का वार्तिककार ने विधान किया है। अब इसका उदाहरण क्या हुआ? तो पंच दीयते अस्मै, यानी कि देने की क्रिया का संप्रदान, उसके लिए भी पंचक यही शब्द बन जाएगा। पंच दीयते अस्मै सहा पंचकः ब्राह्मणः, यानी कि एक ही प्रत्यय एक ही क्रिया के अधिकरण के लिए भी बताया गया और संप्रदान के लिए भी बताया गया। अब इस संदर्भ में आगे काशिकाकार बोलते हैं कि इस वार्तिक की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? तो वो बताते हैं, सिद्धं तु अधिकरणत्वेन विवक्षितत्वात्, यानी कि जिसको दिया जाता है उसमें संप्रदान के साथ साथ अधिकरण की भी विवक्षा करने पर मूल सूत्र से ही यहां तद्धित प्रत्यय आ सकता है और इसलिए वार्तिक की कोई जरूरत नहीं। अब जिसको धन दिया जा रहा है उसमें अधिकरण की विवक्षा करना कैसे संभव है? तो अगर कोई यज्ञदत्त किसी ब्राह्मण को धन देता है तो उस ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा तो अवश्य होती है, लेकिन वह धन ब्राह्मण के पास रहेगा, यानी कि उस धन का आधार ब्राह्मण है, ऐसा चिंतन करने पर आधारोधिकरणम इस सूत्र से ब्राह्मण की अधिकरण संज्ञा भी होगी। इस तरह से ब्राह्मण पदार्थ की एक ही समय संप्रदान संज्ञा और अधिकरण संज्ञा, ये दोनों संज्ञाएं हो जाने पर परत्व से अधिकरण संज्ञा द्वारा संप्रदान संज्ञा का बाध हो जाएगा और ब्राह्मणे ददाति
यह प्रयोग भी साधु बन जाएगा। इसी प्रयोग को लेकर काशिकाकार बता रहे हैं कि पंच दीयते अस्मै, इसके स्थान पर पंच दीयते अस्मिन, यह प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और ऐसा प्रयोग करने पर अधिकरणत्व से सूत्र के बल पर ही यहां आवश्यक तद्धित प्रत्यय आ सकता है। सिद्धम तु अधिकरणत्वेन विवक्षितत्वात्। इस तरह से एक ही पदार्थ में साथ साथ संप्रदान संज्ञा और अधिकरण संज्ञा दोनों की विवक्षा करने पर अधिकरण संज्ञा द्वारा संप्रदान संज्ञा का बाद हो सकता है। ऐसे ही उदाहरण इधर उधर से ढूंढकर करण संज्ञा, कर्म संज्ञा और कर्तृ संज्ञा के विषय में भी, यानी कि इन संज्ञाओं द्वारा भी संप्रदान संज्ञा का बाद हो सकता है, ये बताने के लिए दिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण सामान्य तौर पर मिलते नहीं। सामान्य तौर पर सिर्फ क्रुध और द्रुह, इन धातुओं के प्रयोग के विषय में ही कर्म संज्ञा द्वारा संप्रदान संज्ञा का बाध किया हुआ दिखाई देता है, तो भाष्यकार ने भी उसी के लिए वार्तिक बनाया और बाकी विषयों का निर्देश करना जरूरी नहीं समझा। आगे चलते हैं। तीसरा वार्तिक, करण संज्ञां पराणि कारकाणि बाधन्ते। अब यहां फिर से भाष्यकार पराणि कारकाणि ऐसे सामान्य रूप से बोल रहे हैं। करण संज्ञा का आगे आने वाले कारक, यानी कि अधिकरण कारक, कर्म कारक और कर्तृ कारक बाध करते हैं। भाष्यकार ने यहां दो उदाहरण दिए हैं, धनुः विद्यति और असि ही छिनत्ति। ये दोनों ही उदाहरण कर्तृ संज्ञा द्वारा करण संज्ञा के बाध के उदाहरण है। क्रिया भेद से धनुष और असि यानी कि खड्ग, इनमें कर्तृत्व शक्ति की विवक्षा हो सकती है, ये बात हम पहले ही देख चुके हैं। इस विषय में नागेश उद्योत में बोलते हैं, धनुर्विद्यति इत्यत्र धनुर्निर्गत शरकर्णकवेधः धनुष्कर्तृकः इति। धनुष्कर्णकः धनुर्वृत्तिश्च व्यापारः इति वा बोध्यः। स्वव्यापारे स्वस्य अपि कर्णत्वविवक्षा सम्भवात्। एक ही समय दो शक्तियों की विवक्षा अवश्य संभव है, और ऐसा करने पर कर्तृत्व शक्ति परत्व से करण शक्ति का बाध करती है, यह नागेश के कहने का आशय है। अब वैसे तो यहां करण संज्ञां पराणि कारकाणि बाधन्ते इस वार्तिक के विषय में भाष्यकार ने सिर्फ कर्तृ संज्ञा द्वारा करण संज्ञा का बाध करने के दो उदाहरण दिए हैं, लेकिन बाकी दो कारकों के विषय में भी हम उदाहरण सरलता से बता सकते हैं। जैसे कि हस्ते स्वीकरोति, यहां अधिकरण संज्ञा द्वारा करण संज्ञा का बाध होता है। कैसे? तो अगर कोई देवदत्त किसी वस्तु को हाथ में उठाकर हाथ में ही रखता है, तो फिर हाथ की एक साथ साधकतमं करणम इस सूत्र से करण संज्ञा और आधारोधिकरणम इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और इस तरह से दोनों कारकों की विवक्षा करने पर करण संज्ञा का अधिकरण संज्ञा से बाद होकर हस्ते स्वीकरोति यह प्रयोग बन जाएगा। इसी तरह से करण संज्ञा का कर्म संज्ञा से भी बाद होता है, जैसे कि वाक्यम वदति। अगर कोई देवदत्त अपने वाक्य से किसी विशेष बात को कहना चाहता है, तो वहां वाक्य की साधकतम से करण संज्ञा होकर वाक्येन वदति, जैसे कि वाक्येन उत्तरम वदति, इस तरह से प्रयोग संभव है।
लेकिन अगर वाक्य ही बोल रहा है, यह विवक्षा है, तो उत्तरार्थम वाक्यम वदति या फिर उत्तरस्य वाक्यम वदति, यह प्रयोग संभव है। इस तरह से वाक्य की अर्थ भेद से कर्म विवक्षा और करण विवक्षा दोनों संभव है, और अगर दोनों विवक्षाएं एक साथ हो तो फिर कर्म संज्ञा द्वारा करण संज्ञा का बाध होकर वाक्यम वदति यह प्रयोग बन जाएगा। इस तरह से करण संज्ञा का पर संज्ञाओं से यानी कि अधिकरण, कर्म और कर्ता इनसे बाध होता है। अगला यानी कि चौथा वार्तिक, अधिकरण संज्ञाम कर्म संज्ञा बाधते क्व गेहम प्रविशति इति। अधिकरण संज्ञा को उसके बाद आने वाली कर्म संज्ञा बाध कर लेती है। इसका उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं, गेहम प्रविशति। प्र उपसर्ग के साथ विश इस धातु का प्रयोग करने पर आधार की आधारोधिकरणम इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा भी होती है और कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से कर्म संज्ञा भी होती है। ऐसी स्थिति में बाद में पढ़ाई गई कर्म संज्ञा पहले पढ़ाई गई अधिकरण संज्ञा का बाध कर देती है और गेहे प्रविशति इसके स्थान पर गेहम प्रविशति यह प्रयोग बन जाता है। इस उदाहरण के संदर्भ में उद्योत में नागेश बोलते हैं, अत्र अधिकरण कर्मत्वयोः नियतत्वम्। नियतत्वम मतलब कि हमेशा होना, यानी कि गेहम प्रविशति इस उदाहरण में अधिकरण और कर्म दोनों की विवक्षा हमेशा होती है। सिर्फ एक की विवक्षा करना यहां संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां कर्म संज्ञा द्वारा अधिकरण संज्ञा का नित्य ही बाध हो जाएगा। यही बात नागेश स्पष्ट रूप से बोलते हैं, गेहे प्रविशति ग्रामे आगतः इत्यादि तु असाधु एव इति बोध्यम्। आगे चलते हैं, पांचवा वार्तिक, अधिकरण संज्ञाम कर्तृ संज्ञा बाधते क्व स्थाली पचती इति। अधिकरण संज्ञा का कर्तृ संज्ञा से बाध होता है। यहां भाष्यकार स्थाली पचती यह उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण को हम स्वतंत्रः कर्ता इस सूत्र के अध्ययन के समय देख ही चुके हैं। क्रिया भेद से एक द्रोण चावल धारण करके पका दिए ऐसा चिंतन करने पर यहां स्थाली का कर्तृत्व अवश्य माना जा सकता है और ऐसा कर्तृत्व अधिकरण शक्ति का बाध करके स्थाली पचती इस प्रयोग को साधु अवश्य बना देता है। ये हो गया पांचवा वार्तिक। और अगला अंतिम यानी कि छठा वार्तिक, अध्युपसृष्टम कर्म अधिकरण संज्ञां बाधते अधिशीं स्थासां कर्म। इस सूत्र से प्राप्त कर्म संज्ञा अधिकरण संज्ञा का बाध करती है। यह वार्तिक भाष्यकार ने अलग रूप से क्यों रखा? क्योंकि यहां कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से नहीं बल्कि भिन्न सूत्र से अधिशीं स्थासां कर्म इस सूत्र से होती है। यह सूत्र भी आधारोधिकरणम इसके बाद आता है, तो इस सूत्र द्वारा प्राप्त कर्म संज्ञा से अधिकरण संज्ञा का अवश्य ही बाध हो जाता है। इसका उदाहरण है ग्रामम अधिशेते या फिर ग्रामम अधितिष्ठति या फिर ग्रामम अध्यास्ते। यहां ये समझ लेना कि इस सूत्र द्वारा आधार की अधिकरण संज्ञा का बाध करके कर्म संज्ञा की जाती है, यानी कि जैसे ही ग्राम में आधार की विवक्षा की जाएगी उसी समय वहां
अधिकरण संज्ञा और कर्म संज्ञा दोनों ही उपस्थित हो जाएंगे और फिर एक संज्ञा अधिकार के बल पर कर्म संज्ञा द्वारा अधिकरण संज्ञा का नित्य बाध हो जाएगा। इसीलिए यहां ग्रामे अधिशेते, ग्रामे अधितिष्ठति, ग्रामे अध्यास्ते ये प्रयोग अनुचित ही होंगे। इस तरह से आकड़ाराध एका संज्ञा इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने कारक प्रकरण का एक संज्ञाधिकार में क्यों समावेश किया है इसके कई सारे उदाहरण दिए हैं। अब अंत में एक अन्य उदाहरण देता हूं। इस एक संज्ञाधिकार में कारक प्रकरण में कर्म संज्ञा के बाद कर्तृ संज्ञा पढ़ाई गई है, तो यहां कर्तृ संज्ञा द्वारा कर्म संज्ञा का कहां बाध होता है, ये सवाल शायद आ सकता है। वैसे इस विषय में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। जब किसी भी क्रिया के संदर्भ में उस क्रिया का फल अन्य किसी पदार्थ पर नहीं बल्कि कर्ता को ही मिलता है, यानी कि उस क्रिया के संदर्भ में कर्ता का अन्य कोई पदार्थ नहीं बल्कि कर्ता खुद ही ईप्सित तम होता है, तब उस समय कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र से उस कर्ता की कर्म संज्ञा भी हो सकती है और उसी समय स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र से उसकी कर्तृ संज्ञा भी होती है। ऐसी स्थिति में पहले वाली कर्म संज्ञा का बाध करके बाद में आने वाली कर्तृ संज्ञा ही दी जाती है, जिसके कारण उस धातु को कर्मपद ही नहीं रहता और यही कारण है कि वह धातु अकर्मक कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे ही अकर्मक धातुओं के विषय में कर्तृ संज्ञा द्वारा कर्म संज्ञा का बाध किया हुआ अवश्य दिखाई देता है। इस तरह से एक संज्ञाधिकार में पाणिनि महर्षि ने बहुत ही सूक्ष्म चिंतन करके विशिष्ट क्रम से ही कारकों को रखा है। सबसे पहले अपादान कारक, उसका अन्य कारकों से बाध संभव है, बाद में संप्रदान कारक, उसका अपादान छोड़कर अन्य कारकों से बाध संभव है, उसके बाद करण कारक, उसका बाकी तीन कारक यानी कि अधिकरण, कर्म और कर्तृ कारक से बाध संभव है, उसके बाद अधिकरण कारक, उसका कर्म और कर्तृ कारक से बाध संभव है, और अंत में कर्म कारक जिसका उसके भी आगे आने वाले कर्तृ कारक से बाध संभव है। इन सारे ही बाध्य बाधक भावों के उदाहरण को आज के पाठ में हमने अलग अलग उदाहरणों के साथ देखा है। इस चर्चा में हर बार हमने दो या अधिक कारकों की विवक्षा होती है ये विषय बार बार लिया था। इस विषय में और भी बहुत कुछ कहने के लिए है और वही विषय हम अगले पाठ में लेंगे।